नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूएन पोर्टल पर नॉमिनी ऐड है या ऐड नहीं है, आपको कैसे चेक करना है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, हमारे घर वाले खत्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया, हमें क्लेम कैसे करना है, हमारे यूएन पोर्टल पर नॉमिनी ऐड है या नॉमिनी ऐड नहीं है, हमें कैसे चेक करना है। मैंने आप लोगों को ए टू जेड बताने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए तो अभी जाके आपको पता चलेगा। पहले आपको काम क्या करने पड़ेगा, अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो क्या करना है, आपको आधार कार्ड के थ्रू आपको यूएन नंबर निकाल लेना है। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा हूँ। यूएन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो के नीचे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपके पास यूएन नंबर है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फॉरगेट पासवर्ड कैसे किया जाता है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो के नीचे। उसके बाद आपको क्या करना है, यूएन नंबर और पासवर्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है, यूएन अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपके यूएन पोर्टल पर नॉमिनी ऐड है तो आपको क्लेम कैसे करना है। अगर यूएन पोर्टल पर नॉमिनी ऐड नहीं है तो आपको क्लेम कैसे करना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप एक पीएम मेंबर है तो आपको क्या करना है, नॉमिनी ऐड कर लेना है। अगर आपके नॉमिनी ऐड नहीं है तो नॉमिनी कैसे ऐड किया जाता है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो जैसे खत्म होगा। तो आपको क्या करना है, नॉमिनी जरूर ऐड कर लेना है। अभी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ यूएन अकाउंट ओपन करके नॉमिनी ऐड है या नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले क्या करना है, फायरफॉक्स ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो नॉमिनी आप ना एडिट कर सकते हो, ना आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ना आप चेक कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है, आपको क्या करना है, फायरफॉक्स ऐप को ओपन कर लेना है। फायरफॉक्स ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, EPFO, उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले पेज को हटाने के लिए आपको क्या करना है, साइड में क्लिक कर देना है। साइड में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है, अपने यूएन नंबर यहाँ पर फिल करना है, अपने यूएन का पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वाले कैप्चर को इस पर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, दूसरे बार भी आपको इसी पेज पर आना है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन इन, साइन इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैनेज, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ई नॉमिनेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके डिटेल्स यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। अगर आपके नॉमिनी ऐड है, यहाँ पर नॉमिनेशन सक्सेसफुल आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस में। अगर आप डिटेल्स में चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेट टाइम, कब अपडेट किया गया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, डिटेल्स में चेक करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉमिनी डिटेल्स, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओपन विथ फायरफॉक्स। इस वजह से मैंने बोला था आप लोगों को फायरफॉक्स ऐप से ही करना है, अगर आप दूसरे एप्लीकेशन या ऐप से कर रहे हो तो यहाँ पर आपके ओपन नहीं होगा। अगर आप ओपन करने चाहते हो यहाँ पर चेक कर सकते हो, मतलब सेव करने चाहते हो सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो सेव भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चेक करने के लिए, मतलब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेंबर है यहाँ पर फोटो दिखाई देगा, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर एक एक चीज दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पार्ट ए ईपीएफ वाले, यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देगा किसको कितना परसेंट मिलेगा, वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 50%, 50%, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनका दिखाई देगा, आपके रिश्ते में कौन लगता है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल्स में फोटो, नाम, साथ में यहाँ पर आधार नंबर भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईपीएस वाले पार्ट बी, ईपीएस वाले मतलब पेंशन वाले आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वही सेम आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, आधार कार्ड नंबर, डिटेल्स आपको यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, आपके रिश्ते में कौन लगता है, वो भी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये तो हो गया नॉमिनी ऐड है या नहीं है, कौन कौन ऐड है अगर आप चेक करने चाहते हो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर किसी का डेथ हो गया, अगर आपको क्लेम करना है तो क्लेम करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने जो आप लोगों को पहले बोला था उसी पेज में आपको दोबारा आना है, आपको क्या करना है उसी पेज में ही पहुँचना है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के हमें यहाँ पर लॉगिन किया था। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी, तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिल कर देना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूएन नंबर,
जो मेंबर है, मेंबर के जो यूएन नंबर था वो वाले यूएन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जिसको क्लेम करना है बेनिफिशियरी, उसी का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नाम होना चाहिए, इस लिस्ट में नाम होना चाहिए, वही क्लेम कर सकता है, दूसरा बंदा क्लेम नहीं कर सकता। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको चेक यहाँ पर कर लेना है, पूरे डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि फिलअप भी आपको वहाँ पर उसी हिसाब से ही करना है। और आपके पास सेम डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद उसका नाम फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद ये जो कैप्चर दिखाई दे रही है वाले कैप्चर को इस पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट ऑथराइज पिन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे नोटिस दे रखा है, जो जो चीज चाहिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ आपको सबमिट करना है, ओनली पीडीएफ में आपको सबमिट करना है। और 2 MB तक फाइल होना चाहिए, मतलब 2 MB के नीचे साइज होना चाहिए। 2 MB जो फाइल है, 2 MB आपको कौन सा फाइल देना है, यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट आपको देना है, बैंक पासबुक हो सकता है, आपके चेकबुक भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सारे 2 MB तक भी फाइल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने जो भी डिटेल्स है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया आप लोगों को ऑनलाइन के लिए, अब मैं बता देता हूँ ऑफलाइन वाले के लिए। लेकिन आप लोगों को और एक चीज ध्यान रखना है, चाहे ऑफलाइन वाले हो गया चाहे ऑनलाइन वाले हो गया, आपके जो डिटेल्स है जो भी क्लेम करने के लिए जा रहा है, डिटेल्स बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैंने बता देता हूँ ऑफलाइन आप कैसे क्लेम कर सकते हो। ऑफलाइन क्लेम करने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो हो गया जो मेंबर है उनका डेथ सर्टिफिकेट, और जो क्लेम करने के लिए जा रहा है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और बैंक के डिटेल्स, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको क्या करना है, कंपनी के पास ही आपको जाना है। कंपनी के पास जाके आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेथ क्लेम वाले जो फॉर्म होता है वो भी आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीएफ ऑफिस में जाना है। पीएफ ऑफिस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ जितना भी आपके जो आईडी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, आपको क्या करना है, पीएफ ऑफिस में जाके सबमिट करना है। पीएफ ऑफिस में सबमिट करने के बाद जाके आपके जो क्लेम है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।